वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि बिना हेलमेट के आप बाइक ड्राइव वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप बिना हेलमेट के राइड करें, लेकिन हम एक शॉर्ट स्पिन ले रहे हैं तो उसके लिए कि इसकी कैसे स्टेबिलिटी है और क्या है, तो बाकी तो बहुत बढ़िया है। वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो और की हाल चाल। आज इस वीडियो में हम एक कड़ा कंपटीशन करने वाले हैं एक मॉडर्न और क्लासिक के बीच में। तो आपको मिलवाते हैं दो बाइक से और दो लोगों से जो कि अपनी अपनी बाइक को बहुत ही दिल से चाहते हैं। हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्रूजर जो कि मॉडर्न क्रूजर है और एक क्लासिक क्रूजर की। यह होंडा की CB350 हाइनेस है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डोमिनार 250। तो दोनों बाइक एक क्रूजर बाइक हैं और थोड़ा सा इनके इंजन की पावर अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो बात है उसमें एक में आपको मिलती है 20 bhp की पावर और एक में आपको 26 bhp की पावर, और दूसरी तरफ आपको इसमें 30 Nm की टॉर्क मिलती है। इधर डोमिनार में आपको 23 Nm की टॉर्क मिलती है डोमिनार में। लेकिन बात करें अगर इसके रेट्रो होने की और इसके मॉडर्न होने की, उसमें आज हम एक कड़ा कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। तो जानते हैं इन दोनों ओनर से ही क्या है इनकी बाइक में खास इनसे ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो हम पहले सबसे पहले जाते हैं होंडा 350 हाइनेस की तरफ। यह है हमारी रेट्रो क्लासिक। तो भाई आप बताइए कि आपके लिए ये बाइक क्यों खास है डोमिनार से? देखो जी, क्लासिक जो लुक है बंदे आज भी मुड़ के देखते हैं, साल हो गया भाई। हाँ जी, तो अब बात करते हैं डोमिनार की। तो डोमिनार में आपको ऐसा क्या लगता है कि वो अब जो आने वाली जो रेट्रो जो कि जमाने से चलती आ रही है उन बाइक को डोमिनेट कर सकती है? जवान लोंडो की पसंद क्या है? 30 उसका टॉर्क है, 30 Nm का टॉर्क है इसमें। तो भाई साहब खिंचा लेगी खिंचा। तो भाई कह रहे हैं कि 30 Nm का टॉर्क है। तो अब बात करते हैं डोमिनार की तरफ से। तो डोमिनार में आपको 250 cc का इंजन मिलता है जो कि आपके लिए एक डिसएडवांटेजेस है क्योंकि उधर 350 cc का इंजन है, लेकिन उसके साथ साथ भी इसमें आपको 26 bhp की पावर मिलती है। तो आपका इस पे क्या कहना है? इस पे मेरा ये कहना है कि इसकी स्पीड है 145 टॉप। ये मतलब टॉप स्पीड इसकी 145 है, लेकिन 350 cc है तो आप इसकी टॉप स्पीड कहाँ तक जा सकती है? देखो जी, टॉप स्पीड तो सेम है। अच्छा, लेकिन जो इसका मिड टॉर्क है और जो इनिशियल टॉर्क है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया खिंचा लेगी जी खिंचा। तो भाई साहब दोनों के तरफ अभी कड़ा कड़ा कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ आपको बहुत सारी टॉर्क मिलती है और दूसरी तरफ आपको पावर मिलती है, साथ में लुक्स। लुक्स तो मैंने बताया सब्जेक्टिव है, अभी दोनों में ड्रॉ ही है। बात करते हैं अब एवरेज की। तो आपको भाई इसमें कितना एवरेज देखने को मिलता है? 30 km सिटी में और 35 हाईवे पे। ओके, और आपको इसमें कितना एवरेज देखने को मिलता है? 30 km सिटी में और 35 हाईवे। हम अब बात करते हैं इसके कॉस्टिंग की। तो आपको ये कितने में पड़ी भाई? 1,98,000 कैश। और आपको ये कितने में पड़ी भाई? अराउंड 2.25। ओके, यानी कि 2.25 लाख की ये 350 है और ये 2 लाख की आपकी ये डोमिनार। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं और माइनस में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल। ठीक है, हेयर वी गॉट लिक्विड कूलिंग इंजन, ड्यूल टोन कलर, ड्यूल हॉर्न, सिंगल हॉर्न बट लाउड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरा बताओ। इनबिल्ट हैजार्ड लाइट। ठीक है, एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडीज के भी हैं। तो जो है वही बोलूंगा। चलो कोई नहीं, LED तो यहाँ भी है, ऑल LED। Here we got double barrel exhaust. Exhaust तो हम आपको सुना के बताएंगे। तो अब क्या कहें कि दोनों में से कौन सा विनर है वो निकल कर आए। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। हम बात करते हैं अब इनके एग्जॉस्ट नोट की। तो भाई आप अपनी बाइक स्टार्ट करिए और उसमें पता लगाएंगे हमारे व्यूअर्स कि कौन सी बाइक विनर बनती है। तो आप स्टार्ट करके अपना एग्जॉस्ट नोट सुनाइए। ठीक है, अभी हमने डोमिनार की एग्जॉस्ट नोट तो सुन ली है, अब बात करते हैं हम CB350 की। तो इधर की एग्जॉस्ट नोट सुनने के लिए हम उधर साइड जाते हैं और भाई से बोलते हैं कि भाई अपना इंजन स्टार्ट करें और थोड़ा रैप करें।
तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो तो खुद ही अब जज कर सकते हैं कि कौन सी विनर है। कमेंट में बताएं आपको कि कौन सी विनर है, आपको कौन सी विनर लगती है।